चलो नाइन्थ स्टैंडर्ड चैप्टर सिक्स सर्कल नाइन्थ स्टैंडर्ड सबसे पहले सर्कल किसको बोलते हो वो देखो द सेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन द सेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन ये क्या है सेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन द सेट्स ऑफ पॉइंट ये प्लेन है ना पेपर को क्या बोलते हैं प्लेन ये प्लेन के ऊपर जो सेट्स ऑफ पॉइंट दिख रहे ना उसको क्या बोलेंगे सर्कल लेकिन वो सेट्स ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ये फिक्स पॉइंट है ये क्या एक फिक्स पॉइंट है समझो इसको नाम दे दिया मैंने ओ ओ से लेके समझो ये एक पॉइंट है ए ये बी ये सी ये डी ये ई ये एफ ये भी सेट्स ऑफ पॉइंट है कहां पे प्लेन के अंदर ओ से ए को मैंने मेजर करा कितना है ये पूरा 2.9 कितना है ओ से ए 2.9 सेंटीमीटर अब मैं देखता हूं ओ से बी कितना है ओ से बी भी कितना है 2.9 चलो मैं इसको देखता हूं ओ से सी ये भी कितना है 2.9 ओ से डी 2.9 ये फिक्स पॉइंट ओ से ई ये भी कितना है 2.9 यहां से लेके एफ तक ये कितना है 2.9 ओ से ए 2.9 है ओ से बी भी 2.9 सेंटीमीटर ओ से सी भी 2.9 सेंटीमीटर ओ से डी भी 2.9 सेंटीमीटर ओ से ई भी 2.9 सेंटीमीटर ओ से एफ भी कितना है 2.9 सेंटीमीटर तो सेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है 2.9 हर डिस्टेंस इधर से इधर तक इधर से इधर कितना है 2.9 सबके डिस्टेंस इक्वल है इक्वल डिस्टेंस को बोलेंगे इक्विडिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे इक्विडिस्टेंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट यहां पे ये फिगर के अंदर वो फिक्स पॉइंट कौन है ओ फिक्स पॉइंट कौन है ओ ऑन द सर्कल तो ये जो सेट्स ऑफ पॉइंट दिख रहे ना ये पूरा क्या हो गया सर्कल ये क्या है सर्कल यानी सर्कल किससे बना हुआ है पूरे पॉइंट से बना हुआ है और ये फिक्स पॉइंट से लेके सर्कल की बाउंड्री तक वो डिस्टेंस हर सबके क्या है सेम है इक्वल डिस्टेंस है ऑन द एक मिनट द सेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कल इन द प्लेन ये प्लेन के अंदर इज कॉल्ड अ सर्कल हाँ आ जाओ उसी साइड हो ना ये फिक्स पॉइंट है और ये पूरा क्या है सर्कल और ये जो डिस्टेंस है सब क्या है इक्वल डिस्टेंस सब डिस्टेंस क्या है इक्वल डिस्टेंस चलो ये था क्या सर्कल हो गया
अभी रेडियस. अच्छा ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर. ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. अभी देखो ये सेंटर से लेके, हाँ चलो, ये जो फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल. रेडियस किसको बोलेंगे? देखो ये जो सेंटर, ये जो सेंटर और ये जो पॉइंट ऑन द सर्कल है, सेंटर और ये जो पॉइंट ऑन द सर्कल है, जब मैं ये सेगमेंट को ज्वाइंट कर दूंगा उसको बोलेंगे रेडियस. क्या बोलेंगे? रेडियस. सेंटर और ये जो पॉइंट ऑन द सर्कल, जब इसको जोड़ देंगे तो ये सेगमेंट को क्या बोलेंगे? रेडियस. ये सेंटर और ये जो पॉइंट ऑन द सर्कल है, जब मैं ये सेगमेंट को जोड़ दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस. ये सेंटर और ये पॉइंट ऑन द सर्कल, इसको मैं जोड़ दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस. ये सेंटर और ये पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सेगमेंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रेडियस. उसी तरीके से ये भी क्या है? रेडियस है. एक को रेडियस बोलते हैं, एक बॉय को बॉय, है ना. अब बहुत सारे बॉय को क्या बोलेंगे? बॉयज. तो उसी तरीके से एक रेडियस है, अब बहुत सारे को क्या बोलेंगे? रेडियाई. क्या बोलेंगे? रेडियाई प्लूरल है. और रेडियस सिंगुलर. सब रेडियस इक्वल है, समझ है? देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ. रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इक्वल. रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल. एक सर्कल की सब रेडियस क्या रहेगी? इक्वल. समझ आया? अब ये देखो ये सर्कल है, ये फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर. सेंटर बोलेंगे, है ना. क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल. अच्छा अभी देखो कॉर्ड, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लो, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इसका नाम है ए बी. ये क्या है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. जब ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को जोड़ूंगा तो क्या बनेंगे? कॉर्ड. कॉर्ड. तो सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड. सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड. अच्छा सर्कल में मैंने इतनी रेडियस बनाया, और रेडियस बन सकती क्या? हाँ, सर्कल के पास इनफाइनाइट रेडियस है. इनफाइनाइट रेडियस बोलने से अच्छा क्या बोलो? रेडियाई. इनफाइनाइट रेडियाई, समझ आ? उसी तरीके से अच्छा रेडियस सबकी इक्वल रहेगी. रेडियस क्या रहेगी? सबकी इक्वल. लेकिन कॉर्ड इक्वल ले रहेगी. अभी कॉर्ड इधर इतना बड़ा है ना, इसके ऊपर थोड़ा जाऊंगा. हाँ क्या है? अच्छा फ्रिज में रख दो, मच्छर है तुम्हें. ये सीडी, सीडी क्या हो गया? कॉर्ड. और ऊपर गया एलएम, है ना. कॉर्ड, समझ ना. मतलब बहुत सारे कॉर्ड बनेंगे. इधर पी क्यू कॉर्ड. चलो ये भी क्या है? कॉर्ड. लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है. ये कौन सा कॉर्ड है? एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है जो सेंटर से पास हो रहा है. ये कॉर्ड को बोलते हैं डायमीटर. इसको कॉर्ड भी बोलते हैं और डायमीटर भी बोलते हैं. तुम लोगों को बोलेंगे द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर. तो इसके अंदर डायमीटर का नाम क्या है? आर एस. सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर. सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर. सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर. आगे समझें. अच्छा क्या ये डायमीटर है? ये है एच और इधर दिया एफ. ये डायमीटर है. हाँ सेंटर से पास हो रहा है ना, सेंटर से पास हो रहा है तो क्या है? डायमीटर है. सब में बड़ा कॉर्ड, सब में बड़ा कॉर्ड. आगे समझे कॉर्ड किसको बोलते हैं. अच्छा
डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस, डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस, या तो ऐसा बोलेंगे डायमीटर इज टू टाइम्स ऑफ द रेडियस, टू टाइम्स ऑफ द, ये डायमीटर का फॉर्मूला है। डायमीटर रेडियस का क्या रहता है, डबल, अगर रेडियस चार है तो डायमीटर कितना हो जाएगा आठ, और रेडियस क्या रहेगा डायमीटर का आधा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, कोई कोई स्कूल में ऐसा भी लिखते हैं डायमीटर अपॉन टू, डायमीटर अपॉन टू, वन एंड द सेम मीनिंग, रेडियस इज गो हाफ इंटू डायमीटर या डायमीटर अपॉन टू, वन इन द सेम मीनिंग, आगे समझें। अच्छा, सर्कल के पास एक दो डायमीटर बनेंगे कि और भी डायमीटर बन सकती है, और भी बन सकती है, ज्वाइन करूं और भी बन सकती है, यानी इनफाइनाइट डायमीटर, इनफाइनाइट रेडियस, इनफाइनाइट डायमीटर, इनफाइनाइट कॉर्ड, और सेंटर कितने बन सकते हैं एक ही, फाइनाइट सेंटर गिन सकते हैं। अब ये देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये लाइन को क्या बोलेंगे सीकेंट, ये लाइन को क्या बोलेंगे सीकेंट, लाइन पी क्यू इज अ सीकेंट, सीकेंट कॉर्ड के जैसी है, क्योंकि ये लाइन के अंदर कॉर्ड पी क्यू छुपा है, ये सेगमेंट पी क्यू कॉर्ड है, सेगमेंट पी क्यू क्या बोलेंगे, सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉर्ड, सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉर्ड, लेकिन जैसे लाइन बोलेंगे तो इसको कॉर्ड ने क्या, इसको कॉर्ड ने बोलेंगे क्या बोलेंगे सीकेंट, क्या बोलेंगे सीकेंट, एस ई ए सी ए एन टी, इनफाइनाइट सीकेंट बनेंगी, बनाते जाओ ऐसा, बनाते जाओ बहुत सारी सीकेंट बनेंगी, ऐसी बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बहुत सारी सीकेंट बनेंगी, समझ आ गया। ये देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, सर्कल की बाउंड्री को जो टच करते हैं इसको बोलेंगे टेंजेंट, क्या बोलेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, ये बहुत सारी पॉइंट नहीं है, सर्कल की एक ही पॉइंट को टच करते हैं, ये लाइन को क्या बोलेंगे टेंजेंट, समझ गए, ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू ये सेंटर क्या है ओ, और ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट को बोलते हैं, अगर ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट को बोलते हैं, जो क्यू है ना ये पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते, समझ आ गया ना, ये देखो वापस इधर देखो, ये सर्कल है, ये क्या है टेंजेंट, ये टेंजेंट का नाम है आर एस एट पॉइंट टी, एट पॉइंट टी, तो इसके अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है टी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है पॉइंट टी, पॉइंट टी, उसके लिए सॉरी उसके लिए टेंजेंट होना जरूरी है, ओ से क्यू कौन है रेडियस, ओ से टी कौन है रेडियस, और कभी भी याद रखना रेडियस टेंजेंट से क्या रहता है परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट से क्या रहेगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री लोग नहीं भी बता देंगे ना तो समझ जाने का 90 डिग्री, समझ है, अभी वीडियो स्टॉप कर रहे हैं।